अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, उसकी थोड़ी सी डिस्कशन हमारी हुई थी, एंड दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फाइनेंस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंतहा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर किया जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिलेटेड विथ योर फाइनेंसिंग डिसीजन। अगर आपको कंपनी के लिए फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है कि आपको फंड्स कहाँ से रेस करने हैं, तो उस फाइनेंसिंग डिसीजन की एक कॉस्ट होगी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, राइट। फिर हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के पास फाइनेंसिंग के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था, वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज इक्विटी फाइनेंसिंग विच इज कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स, राइट। आप इक्विटी फाइनेंस रेस कर सकते हैं, That is ordinary shares. अब एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी को फंड्स की जरूरत है, तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी क्या कर सकती है, स्टॉक मार्केट के अंदर फर्दर न्यू शेयर्स इशू कर सकती है। दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। और तीसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, यू कैन रेज फाइनेंस थ्रू डेट फाइनेंस। और डेट के लिए हम मुख्तलिफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम बॉन्ड्स का वर्ड भी इस्तेमाल करेंगे, डिबेंचर का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेट्स हमारे पास अवेलेबल होती है, बैंक लोन का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो फाइनेंसिंग ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं, हर फाइनेंसिंग ऑप्शन की एक कॉस्ट होती है। तो अगर आप इक्विटी फाइनेंस चूज करना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस की कॉस्ट होगी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और डेट की कॉस्ट होगी कॉस्ट ऑफ डेट। एग्रीगेट बेसिस के ऊपर हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कितने फंड्स चाहिए और हम वो फंड्स कहाँ से रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी को $500 मिलियन की फाइनेंसिंग चाहिए, एंड फॉर एग्जांपल कंपनी ने ये डिसाइड किया कि ये $500 हम रेस करेंगे, इसमें से 250 मिलियन हम रेस करेंगे वाया ऑर्डिनरी शेयर्स, और रिमेनिंग 250 मिलियन हम रेस करेंगे थ्रू डेट फाइनेंसिंग। अच्छा, अब ये डिसीजन इतना आसान नहीं होता कि आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 250 मिलियन आपको डेट लेना है, 250 मिलियन आपको इक्विटी लेनी है। इसके लिए हम एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। वहां पर हमें ये इवेल्युएट करना होगा कि इक्विटी रेस करना ज्यादा बेनिफिशियल है, डेट रेस करना ज्यादा बेनिफिशियल है, व्हाट वुड बी एन आइडियल कॉम्बिनेशन और सॉल्यूशन, राइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप 500 मिलियन फाइनेंस रेस करना चाहते हैं वाया ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डेट फाइनेंसिंग, तो ऑर्डिनरी शेयर्स की जो कॉस्ट होगी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि आपके शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, और इसकी कॉस्ट होगी कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग, कि आपको जो लेंडर पैसा दे रहे हैं वो आपसे कितनी कॉस्ट डिमांड, कितना रिटर्न डिमांड कर रहे हैं, और आपके शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न डिमांड कर रहे हैं। शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द लोन प्रोवाइडर। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी अज्यूम कि आपने कैलकुलेट किया कि 15% हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बनती है और 8% हमारी कॉस्ट ऑफ डेट बनती है। सो वाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट? कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा के ई से, और कॉस्ट ऑफ डेट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा के डी से। सो आप यहां देखें कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, वाई? कोई आंसर करेगा इस बात का? फर्स्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि वाई cost of equity is greater than cost of debt, why shareholders required rate of return is always greater than the lenders required rate of return, anyone? Yes, you are right, risk is high. Jab investor kisi company ke shares mein investment karta hai to uska risk kyunki zyada hota hai, and आप ये याद रखें, हायर इज द रिस्क। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का रिस्क हायर है तो आपका रिटर्न भी कितना होगा,
हायर विल बी द रेट ऑफ रिटर्न। सो इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न डिमांड करेगा और इन्वेस्टर का रिटर्न हमारे लिए बन जाएगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। अब देखें, अगर मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है जो हमें कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ डेट 8% है ये भी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या चीज कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड दिस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देन विल बी यूज्ड एज अ डिस्काउंट रेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो ये एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमें निकालनी है, इसके लिए मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड इंडिविजुअल कॉस्ट जो कि मेरे पास अवेलेबल है, एग्जाम्पल में 15%। आई हैव कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग जो मैंने एज्यूम किया है 8%। अब मुझे फाइनेंसिंग की वेटेज चाहिए, तो ऑर्डिनरी शेयर्स में कितना रेस कर रहा हूं? 250 मिलियन। तो इक्विटी कितनी हो गई? 250 मिलियन। और डेट फाइनेंसिंग कितनी हो गई? 250 मिलियन। तो अगर हमारे पास वेटेज अवेलेबल है और इंडिविजुअल कंपोनेंट की कॉस्ट अवेलेबल है, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो आपको एग्जाम में गिवन होगा। दैट फॉर्मूला इज KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ये एक कॉम्पोनेंट हो गया। एनदर कॉम्पोनेंट कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा आफ्टर टैक्स होगी। रिमेंबर, कॉस्ट ऑफ डेट जो भी आप लेंगे ये हमेशा क्या होगी? ये हमेशा आफ्टर टैक्स होगी। अगर ये आफ्टर टैक्स आपको गिवन ना हो तो आपको इसे आफ्टर टैक्स हमेशा करना पड़ेगा। लेट मी पुट द वैल्यूज। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%, वैल्यू ऑफ इक्विटी है 250, एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट इज 250 प्लस 250। ये एक कॉम्पोनेंट हो गया। दूसरा कॉम्पोनेंट हमारे पास है 8%, सेम 250 डिवाइडेड बाई 250 प्लस 250। अगर आप इसकी कैलकुलेशन कर लें तो यू विल गेट द आंसर, क्योंकि ये हाफ है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 7.5% बनेगा और ये 4% बनेगा, एंड एज अ रिजल्ट आपकी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पड़ेगी वो कितनी होगी? दैट इज 11.5%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इक्विटी और डेट जो भी रेस किया है तो ऑन एवरेज आपकी कॉस्ट बन रही है 11.5%। हालांकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, लेकिन क्योंकि डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो डेट की वजह से आपकी ओवरऑल एवरेज कॉस्ट रिड्यूस हो गई, एंड दैट बिकम्स 11.5%, राइट। ये तो अल्टीमेटली हमने एज्यूम कर लिया कि ये सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, बट इन एग्जाम हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालनी होगी, कॉस्ट ऑफ डेट भी निकालनी होगी, वेटेज भी निकालनी होगी, देन हम इस काबिल होंगे कि हम एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, प्रेफरेंस की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, और डेट फाइनेंसिंग की कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। एग्जाम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में यूजुअली आ सकता है अलॉन्ग विथ थ्योरी। जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन किया है उनको मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि F9 के पेपर में थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और समटाइम्स आपका जो वेटेज होता है वो होता है 50% थ्योरी एंड 50% कैलकुलेशन। तो अगर कोई स्टूडेंट इंटायरली कैलकुलेशन बेस्ड प्रिपरेशन करके जाएगा तो वो F9 के पेपर में पास नहीं हो सकता। अगर आपको F9 का पेपर अफेक्टिवली पास करना है तो आपकी कैलकुलेशन भी अफेक्टिव होनी चाहिए और आपकी थ्योरी भी अफेक्टिव होनी चाहिए।
रिसोर्सेज आपको क्या इस्तेमाल करने हैं, कहाँ से इस्तेमाल करने हैं, दैट यू कैन चेक माई फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने तमाम डिटेल्स आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई है. सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, और उसके लिए अब हम पहले इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट स्टडी करेंगे, और उसके बाद फिर एवरेज निकालना सीखेंगे, और फाइनली फिर पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि एवरेज किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. एनी क्वेश्चन? देखें, मैं वैसे ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि बुक्स वगैरह आपको क्या फॉलो करनी है. मैं आपको दोबारा बता देता हूं. देखें, ओवरऑल रिसोर्सेज की बात की जाए तो एज यू नो दैट कि थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब थ्योरी का सबसे अफेक्टिव तरीका जो होता है वो होता है कि आप बुक स्टडी करें, ठीक है. लेकिन आपको जो सबसे पहला फोकस करना है वो लेक्चर्स पे करना है, और उसमें जो थ्योरेटिकल डिस्कशंस हो रही हैं ड्यूरिंग द लेक्चर उसको आपको अफेक्टिवली कवर करना है. दैट वुड बी वेरी हैंडी, नंबर वन. एंड अलोंग विद दैट यू हैव टू यूज द बुक, दैट इज द कैपलन बुक. इसके साथ आपको रिविजन किट इस्तेमाल करनी है, सेम पब्लिकेशंस, एंड आपको इसके साथ यूज करने हैं पास्ट पेपर्स, राइट? पास्ट पेपर्स आप इसके साथ यूज करेंगे. किट में सारे पास्ट पेपर्स दिए हुए हैं, और क्योंकि हमारे पास तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम एमसीक्यूज और ओटीक्यूज भी डिस्कस करेंगे. एमटीक्यूज भी आपको अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करने हैं, और आपको अकॉर्डिंगली सीआरक्यू भी प्रैक्टिस करने हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल एंड जो रिक्वायर्ड आपको चाहिए. लेकिन इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो आपको इस्तेमाल करना है, और वो है टेक्निकल आर्टिकल्स. टेक्निकल आर्टिकल्स स्ट्रांगली रेकमेंड किए जाते हैं कि आप F9 में टेक्निकल आर्टिकल पढ़ें जितने भी अवेलेबल हैं, और इसके साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. वो नोट्स आप रेफर कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू समरी नोट्स, तो वो समरी नोट्स आपको बहुत हैंडी लगेंगे. वो समरी नोट्स आप यूज करेंगे अपने टॉपिक को रिवाइज करने के लिए और याद करने के लिए. एंड आई विल शेयर अ पास्ट पेपर थ्योरी डॉक्यूमेंट जो मैंने लास्ट क्लास में शो किया था. उस थ्योरी डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, आप उस थ्योरी डॉक्यूमेंट को उठाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आए हैं, कुछ मैं डिस्कस करूंगा क्लास में, कुछ आपको असाइनमेंट के तौर पर दूंगा सॉल्व करने के लिए, राइट? सो अगर आप इन तमाम रिसोर्सेज पे काम करते हैं, बुक पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. बुक आप सेलेक्टेड एरियाज में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको टेक्निकल आर्टिकल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. पास्ट पेपर्स की थ्योरी पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. लेक्चर्स को अटेंटिवली सुनना और उससे अपने नोट्स आप कंपाइल कर सकते हैं. इन दिस वे दिस पेपर इज ईजी टू पास. इफ यू फॉलो दैट स्ट्रेटजी, वेरी ईजी टू पास. अदरवाइज नॉट एन ईजी पेपर, राइट? अच्छा, जो लोग हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं और जो करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड हैं, दे आर ट्राइंग टू ज्वाइन, उनको मैं आपको थोड़े से कोर्स के फीचर डिस्कस कर लेता हूं कि आपको जो कोर्स ऑलरेडी मिलेगा उसके फीचर्स क्या हैं, उसमें क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि आप कितना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ रहे हैं. तो मैंने अपना F9 का आपके सामने जो प्रीवियसली कंपाइल कोर्स है वो शेयर किया है. आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, इंट्रोडक्शन ऑफ FM, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन कैपिटल स्ट्रक्चर, ये टॉपिक वाइज आपकी यहाँ पर दिए हुए, ठीक है जी. अब इसमें से फॉर एग्जाम्पल लेट मी ओपन अप कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक जो हम आजकल डिस्कशन कर रहे हैं. तो आप यहाँ देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 1, 2, 3, 4 चार लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है. और लेक्चर के बाद कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लेक्चर हैं, ठीक है. उसके बाद एक आर्टिकल दिया हुआ है, सेकंड आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल. उसके बाद एक क्विज दिया हुआ है कि अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, टेस्ट योरसेल्फ व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस क्विज. और साथ आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ है कि पास पेपर का एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का थ्योरी क्वेश्चन होगा, एक या दो, वो आपको अटेम्प्ट करके सबमिट करने हैं. एंड देन आई विल चेक एंड आंसर दैट कि आपने कितना effectively ये attempt की.
तो इस तरह हर चैप्टर आपको इतना कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा। साथ हमारी वीकली 2 लाइव क्लासेस हो रही होंगी जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, ट्रबल शूटिंग करेंगे, टॉपिक का ओवरव्यू करेंगे। सो इन शॉर्ट यहाँ से आप अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी। टू कंटिन्यू विथ हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉस्ट ऑफ डेट। जब हम डेट फाइनेंसिंग की फॉर्म में फंड रेस करने जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें डेट के ऊपर अपने लेंडर को क्या देना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड पेमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट? डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है? देखें, ये पेपर बड़ा इंटरैक्टिव पेपर है। जितना आप इंटरैक्ट करेंगे, जितने आपके सवालात होंगे, उतना आपको फायदा है, क्योंकि थ्योरी का जो पेपर होता है उसमें आपकी इंटरेक्शन बहुत काम करती है। ठीक है, जितना आप इंटरेक्ट करेंगे, क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, उतना ही अफेक्टिवली आपकी तैयारी होगी। देखें, इंटरेस्ट और डिविडेंड में फर्क ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है वो कंपल्सरी होती है, राइट? अगर आप लोन लेते हैं, अगर आप डेट फाइनेंसिंग रेस करते हैं तो इंटरेस्ट कंपलसरी पेमेंट है, लेकिन डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता, डिविडेंड ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप डिसाइड करें आपको डिविडेंड कितना देना है नहीं देना, तो वो कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के लिए प्रॉब्लम ये है कि जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। दैट्स द रीजन व्हाई कंपनी बहुत ज्यादा डेट फाइनेंसिंग रेज नहीं कर सकती, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कंपनी की सूटेबल डेट फाइनेंसिंग कितनी होनी चाहिए, कैन एनीवन टेल मी? हालांकि हमारा टॉपिक है पूरा कि डेट फाइनेंसिंग कितनी है। तो हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि सूटेबल डेट फाइनेंसिंग कितनी होती है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आप बहुत ज्यादा डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाएंगे तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। उसकी इम्प्लीकेशन ये होगी कि आपको हर साल गारंटीड इंटरेस्ट देने के लिए आपके पास प्रॉफिट भी होना चाहिए और आपके पास इतने कैश फ्लोज होने चाहिए सो दैट यू कैन ईजिली पे योर इंटरेस्ट। तो क्या कोई कंपनी इतनी ज्यादा कमिटमेंट बेयर कर सकती है? आंसर इज नो। तो आपके पास रीजनेबल कॉस्ट डेट होना चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम में ना आए। अब जब हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालने की बात करेंगे तो ये तो हमें पता है कि इंटरेस्ट कंपलसरी होता है, और इंटरेस्ट रेट को हम नाम देते हैं कूपन रेट। इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जाता है, जो हमें हर साल इंटरेस्ट पे करना होता है, कूपन रेट। ये तो आपकी कम अज कम मिनिमम पेमेंट है जो आपको देनी है, राइट? लेकिन आपकी जो कॉस्ट है या इन्वेस्टर का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़ भी सकता है अगर आपकी डेट जो है वो ट्रेडेबल डेट हो या उसकी वैल्यू जो होगी उसमें कैपिटल गेन का एलिमेंट शामिल हो। तो हम टाइप्स ऑफ डेट पे बात करते हैं कि डेट्स की टाइप क्या क्या हो सकती हैं पॉसिबल। डेट की एक सिंपल टाइप है बैंक लोन, कि आप एक बैंक से लोन ले लें, उस लोन पर आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो व्हाट वुड बी योर कॉस्ट? आपकी कॉस्ट क्या होगी? सिर्फ इंटरेस्ट, राइट? दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऐसा डेट रेस करें जो कि इररिडीमेबल हो। इररिडीमेबल डेट का मतलब ये होता है जिसकी कोई मैच्योरिटी ना हो, आपको रिटर्न ना करना हो, या आप ऐसा डेट रेस कर लें जो रिडीमेबल डेट हो। रिडीमेबल डेट वो डेट होगा जिसकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी आपके पास मौजूद होगी। फोर्थ ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक सिंपल डेट इशू करने के बजाय एक कन्वर्टेबल डेट इशू कर। जो स्टूडेंट F7 पढ़ चुके हैं या F7 पढ़ रहे हैं करंटली, उन्हें ये आइडिया होगा कि हाउ कन्वर्टेबल डेट इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल डेट। कन्वर्टेबल डेट्स वो डेट्स होते हैं जिसके अंदर इन्वेस्टर के पास ऑप्शन मौजूद होता है। किस चीज का ऑप्शन मौजूद होता है?
ये डिसाइड करने का कि वो अपने डेट को रिडीम करवाना चाहते हैं या कन्वर्ट करवाना चाहते हैं किसमें, इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, राइट। तो हम वन बाय वन एक एक कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट में बैंक लोन की, देन इरिडीमेबल, देन रिडीमेबल एंड देन दी कन्वर्टेबल डेट, गॉट इट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ बैंक लोन। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट ऑफ डेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं केडी से। बैंक की जो लोन की कॉस्ट होगी, इट्स सिंपल कूपन रेट। और अगर टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा आफ्टर टैक्स होती है, इसलिए हम कूपन रेट को आफ्टर टैक्स बनाने के लिए कर देंगे वन माइनस टी, दैट इज वन माइनस टैक्स रेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बैंक लोन लिया और उस बैंक लोन का कूपन आपको पे करना है 5% पर एनम, और टैक्स रेट आपको गिवन है 30%। नाउ लुक, इन्वेस्टर विल गेट 5% ईच ईयर एंड यू विल पे 5% पर एनम, लेकिन टैक्स एडवांटेज की वजह से जब आप कॉस्ट ऑफ डेट निकालने जाएंगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, और वो टैक्स का बेनिफिट आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ऑल्दो यू आर पेइंग 5%, लेकिन आपकी जो अफेक्टिव कॉस्ट है ड्यू टू टैक्स बेनिफिट वो कितनी हो गई, वो हो गई 3.5%। दिस इज द रीजन वाई वी ऑलवेज से दैट डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिकॉज डेट के ऊपर आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है, वो टैक्स एडवांटेज आपको डिविडेंड के ऊपर नहीं मिलता, एंड दिस इज द रीजन वाई डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना ज्यादा लोन लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ज्यादा लोन लेने में एक प्रॉब्लम ये है कि आपको इंटरेस्ट की कमिटमेंट करनी पड़ेगी। सो लोन के मामले में यू विल बी लाइक रीजनेबल लोन लेना चाहिए आपको, कि कितना लोन हो जो आप अफोर्ड कर सकें, इजीली उसका इंटरेस्ट पे कर सकें, गॉट इट। सो बैंक लोन का कॉस्ट ऑफ डेट निकालना इज वेरी सिंपल। अगर टैक्स ना दिया हुआ हो तो कूपन रेट, और अगर टैक्स दिया हुआ हो तो उसे आप आफ्टर टैक्स करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट, देखिए लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ डेट चीपर क्यों होता है। दोबारा सुन लो, कॉस्ट ऑफ डेट चीपर क्यों होता है इक्विटी के मुकाबले में। तो इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव है इन्वेस्टर साइड, इन्वेस्टर साइड से सोचें, और एक पर्सपेक्टिव है कंपनी के साइड से, ठीक है। इन्वेस्टर साइड से अगर आप सोचेंगे तो क्योंकि डेट के केस में इन्वेस्टर के पास ये गारंटी होती है कि उसे हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, और डेट सिक्योर भी होता है, तो डेट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस रिस्की होता है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हम, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, लेस रिस्की होता है, क्योंकि उसको पता होता है उसे हर साल इसके ऊपर गारंटीड इंटरेस्ट मिलना है। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस इज एन अलाउबल एक्सपेंस फॉर टैक्स पर्पस, इज टैक्स डिडक्टेबल, तो कंपनी को यह पता है कि वो जितना इंटरेस्ट देंगे उतना टैक्स बेनिफिट ज्यादा होगा। ये दोनों चीजें मिलाकर कंबाइन करके जो भी कॉस्ट ऑफ डेट होती है उसको चीपर बना देती है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो हम बात करते हैं ना, डेट लेने से रिस्क बढ़ता है, वो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर को तो 5% रिटर्न ही मिल रहा है कूपन रेट, लेकिन कंपनी का रेट क्यों कम हुआ, बिकॉज ऑफ द टैक्स एडवांटेज, ठीक है जी। ये टैक्स एडवांटेज ये होता है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस रिपोर्ट करेंगे
तो टैक्स वाले कहेंगे योर इंटरेस्ट इज अलाउड एज एन एक्सपेंस, वो उसे डिसअलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जब आप डिविडेंड को एज एन एक्सपेंस डालने की कोशिश करेंगे तो टैक्स वाले कहेंगे दिस डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस, तो वो डिसअलाउ कर देंगे। F6 का पेपर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको अलाउड एक्सपेंसेस और डिसअलाउड की नो हाउ होनी चाहिए। सेकेंड कॉम्पोनेंट, फर्स्ट वन इज बैंक लोन, सेकेंड कॉम्पोनेंट इररिडीमेबल डेट। अब आपने एक इररिडीमेबल डेट इशू किया, इररिडीमेबल डेट होगा तो ट्रेडेबल भी होगा, जिस तरह शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं इस तरह डेट्स भी मार्केट में ट्रेड होते हैं। शेयर्स के लिए इक्विटी मार्केट होती है, डेट्स के लिए डेट मार्केट्स होती हैं। तो इररिडीमेबल डेट अगर आप इशू करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का फॉर्मूला बनेगा इंटरेस्ट ऑन डेट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ डेट। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ डेट, ये दो चीजें आपको चाहिए होंगी। और अगर टैक्स दिया हुआ होगा तो आप अपनी इंटरेस्ट पेमेंट को आफ्टर टैक्स करके लेंगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ डेट। फॉर एग्जाम्पल लेट मी एज्यूम सम फिगर्स, फॉर एग्जाम्पल हमने एक इररिडीमेबल डेट इशू किया, इसकी मैच्योरिटी तो कुछ होगी नहीं, उसका कूपन रेट है सपोज 7%, उसकी टैक्स रेट की पेमेंट होती है 30%, मार्केट प्राइस चल रही है $98 पर 100 बॉन्ड। ये जो 100 वैल्यू दी भी होगी ये हमेशा पार वैल्यू होगी। बॉन्ड की पार वैल्यू कितनी होती है? बॉन्ड की पार वैल्यू $100 होती है। अगर आपको एग्जाम में ना दी जाए तो आप एज्यूम करेंगे हमेशा कि बॉन्ड की पार वैल्यू $100 होगी, ठीक है? तो आज मार्केट में ये 98 के ऊपर ट्रेड हो रहा है पर $100 पार वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा बॉन्ड जिसका कूपन 7% है, जो कि $98 पे आज ट्रेड हो रहा है, तो इन्वेस्टर अगर इसमें इन्वेस्ट करता है तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट की जो परसेंटेज होगी वो हमेशा पार वैल्यू पे लगेगी, कभी भी आप मार्केट वैल्यू पे नहीं लगाएंगे। पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, सो दिस विल गिव यू अ फिगर ऑफ लाइक $100 मल्टीप्लाई बाय 7%, तो आपका इंटरेस्ट कितना हुआ? आपका इंटरेस्ट हो गया $7। 1 माइनस टैक्स रेट, ये हो गया आफ्टर टैक्स, राइट? ये आफ्टर टैक्स हुआ। मार्केट प्राइस दी हुई थी 98, कैन यू फाइंड आउट द आंसर? इन्वेस्टर को रिटर्न कितना मिलेगा, कंपनी की कॉस्ट क्या होगी, दोनों में फर्क होगा ड्यू टू टैक्स। सो परसेंटेज टर्म्स के अंदर अगर आंसर चेक किया जाए तो कॉस्ट ऑफ डेट बनती है 7 × 0.7, 4.9 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100%, and that is 5%. अब ये बताएं कि कंपनी का इंटरेस्ट परसेंटेज तो 7 है तो कॉस्ट 5 कैसे हुई? तो उसका जवाब है ड्यू टू टैक्स, ओके? टैक्स बेनिफिट की वजह से कंपनी की कॉस्ट जो कि 7% होनी चाहिए थी या 7% के अराउंड होनी चाहिए थी, अब कितनी है? 5%। ये बात ध्यान में रखें कि अगर इन्वेस्टर का रिटर्न कैलकुलेट करना है इस डेट के ऊपर तो आपको 1 माइनस टी नहीं करना। 1 माइनस टी कब करेंगे?
वन माइनस की उस वक्त करेंगे जब हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन कर रहे होंगे। जब आपको इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन करनी है तो आप इस फॉर्मूले में सिंपली क्या करेंगे, वन माइनस टी को हटा देंगे। ये बात क्लियर है सबको, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट ये एंड में पूछते हैं, बिल्कुल एंड में जाकर के ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कब वन माइनस टी करते हैं और कब वन माइनस टी नहीं करते, क्योंकि हमारे सिलेबस में इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न निकालना भी है और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ डेट निकालना भी मौजूद है। तो पहला फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ बैंक लोन, दूसरा फॉर्मूला आ गया इररिडीमेबल डेट। F9 में आप लोगों को फॉर्मूले याद करने हैं और एग्जाम में आप लोगों को एक फॉर्मूला शीट दी जाती है जिसके अंदर मेजॉरिटी फॉर्मूलाज नहीं होते, कुछ स्टेटेड फॉर्मूलाज आपको दिए जाएंगे, उसके अलावा ये तमाम फॉर्मूलाज इंक्लूडिंग रेशियोज, यस जितनी भी रेशियोज आपने पढ़ी हैं अब तक वो सारी की सारी रेशियोज आपको एग्जाम के लिए चाहिए होगी। चेक, एग्जाम में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, एग्जाम में आपको एक मैथमेटिकल टेबल प्रोवाइड की जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू टेबल और एन्यूटी टेबल, साथ आपको एक फॉर्मूला शीट प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर ये कुछ फॉर्मूले यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। यू कैन चेक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये दो कॉम्पोनेंट का फॉर्मूला है, इक्विटी और डेट। अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट होंगे तो हम इस फॉर्मूले को एक्सटेंड कर देंगे, चेंज कर देंगे और इसके अंदर केपी भी ऐड कर सकते हैं और कोई और चीज भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको एग्जाम में गिवन होंगे। एक प्रेजेंट वैल्यू टेबल दिया जाएगा, एक एन्यूटी टेबल दिया जाएगा, ये सब स्क्रीन पे अवेलेबल होगा, आप हार्ड कॉपी में इसको यूज नहीं कर सकते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज रिडीमेबल डेट का कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं। तो पहले तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिडीमेबल डेट है क्या, फिर हम उसका इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ डेट पे बात करेंगे। देखिए, रिडीमेबल डेट वो डेट होती है जिसके फीचर ये होते हैं कि आज अगर कोई शख्स डेट परचेज करता है तो वो कुछ टाइम के बाद कंपनी को वो वापस कर देगा और कंपनी उसको एक अमाउंट रिटर्न कर देगी। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम IRR अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। पहले तो आपको सीखना है कि IRR अप्रोच को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अच्छी तरह से आपको इसकी कैलकुलेशन समझनी है, फिर आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा कि हमने IRR अप्रोच क्यों यूज की। हम इसको अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर के रिटर्न से कैलकुलेट करेंगे कि अगर एक इन्वेस्टर एक डेट परचेज करता है और उसको होल्ड करता है मैच्योरिटी तक तो उसको पर एनम कितना रिटर्न मिलेगा, और वो रिटर्न हमारे लिए क्या बनेगी, वो रिटर्न हमारे लिए बनेगी कॉस्ट ऑफ डेट। अगर टैक्स ना दिया हुआ हो तो सेम, और अगर टैक्स दिया हुआ होगा तो रिटर्न ज्यादा होगा और कॉस्ट ऑफ डेट अकॉर्डिंगली कम होगी। अब रिडीमेबल डेट में आपको जो चीजें दी जाएंगी IRR निकालने के लिए, आपको दिया जाएगा, जस्ट फर्स्ट सी आपको क्या क्या चीजें दी जाएंगी। सबसे पहले तो आपको बताया जाएगा कि डेट की पार वैल्यू अगर दी हुई है तो वेल एंड गुड, वरना वो हमेशा क्या होगी, $100। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ये डेट आज मार्केट में किस प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये डेट 95 पे ट्रेड हो रहा है सपोज। फिर ये बताया जाएगा कि इसका कूपन रेट कितना है, कूपन रेट इज सपोज 6% पर एनम। ठीक है, और उसके बाद आपको ये बताया जाएगा रिडम्पशन पीरियड कितना है, कितने साल में ये रिडीम होगा। सो सपोज रिडम्पशन पीरियड इज 5 years लेफ्ट। फिर आपको ये बताया जाएगा कि रिडम्पशन किस वैल्यू पर होगी, रिडम्पशन की प्राइस किस वैल्यू पर होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको बताया गया कि रिडम्पशन होगी पार वैल्यू पर। नाउ एज्यूम कि आप एक इन्वेस्टर हैं, आप आज एक रिडीमेबल डेट बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको पता लगता है कि मार्केट में आज ये 95 पे बिक रहा है, आप 95 में खरीद लें। जब आप 95 में खरीदेंगे
और इसे 5 साल तक होल्ड करेंगे तो आपको पर एनम रिटर्न कितना मिलेगा, इन्वेस्टर को पर एनम क्या मिलेगा? तो एक तो पर एनम इन्वेस्टर को क्या मिल रहा होगा, 6% कूपन रेट, गारंटीड रिटर्न, प्लस 95 में खरीदने के बाद वो रिडीम किस प्राइस पे करेगा, $100 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर का जो रिटर्न है उसके दो कंपोनेंट हो गए, पहला कंपोनेंट है कूपन और दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैसे हो रहा है इसके अंदर, कैपिटल गेन ऐसे हो रहा है कि 95 में खरीदेगा और $100 में बायबैक करेगी कंपनी, रिटर्न करेगी उसे $100। तो ये जो 95 से $100 का गेन हासिल हो रहा है इसे हम कहते हैं कैपिटल गेन। अब इसका एनुअल वर्जन हमें कैलकुलेट करना है कि इन्वेस्टर का एनुअल रिटर्न कितना होगा, उसके लिए मैं आपको IRR अप्रोच से इसका आंसर निकालने की टेक्निक सिखाता हूं कैसे निकालेंगे। ये सवाल एक हाईली लाइकली क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए, सो इनको फॉलो करते हैं। IRR आप लोगों ने F2 में पढ़ा होगा, IRR निकालने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, एनी आइडिया, कुछ रिकॉल करें IRR कैसे निकालते हैं? F2 में NPV, IRR, पे बैक का टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। IRR इसी को मैं नाम दे रहा हूं, इन्वेस्टर का जो टोटल रिटर्न है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हैं इन्वेस्टर के रिटर्न को। तो IRR निकालते कैसे, तो IRR निकालना सीखें, आपको रिकॉल हो जाएगा IRR कैसे निकालते हैं। IRR निकालने के लिए हम सबसे पहले एक ऐसा रेट लेंगे जिस पर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आए, फिर एक ऐसा रेट चूज करेंगे जिस पर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आए, और फिर इन दोनों को अप्लाई करेंगे एक फॉर्मूले में और निकालेंगे कि एक ऐसा रेट जिसके ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो, जीरो। ये IRR टेक्निक है, ठीक है। इससे जो परसेंटेज हमें हासिल होगी वो हमारे इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बनेगा। अब इसके लिए अब देखें एक अप्रोच इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर, जस्ट पहले देख लें कैसे अप्रोच इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यूज निकालते हैं, एयर कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, एनदर डिस्काउंट फैक्टर, एनदर प्रेजेंट वैल्यू। एक दो सवाल करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस वर्किंग। ये आपको IRR निकालने के लिए हमेशा ये काम करना पड़ेगा। अब हमें सबसे पहले इस रिडीमेबल डेट के कैश फ्लोज फाइंड आउट करने हैं कि अगर आज एक इन्वेस्टर इसे खरीदता है तो उसके आउटफ्लो क्या होंगे और उसके इनफ्लो रेलेवेंट क्या होंगे। तो सपोज इन्वेस्टर ने आज उसे 95 में परचेस किया, ये हो गया उसका आउटफ्लो, पहला कैश फ्लो। उसके बाद इन्वेस्टर को हर साल इसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है पार वैल्यू पर। तो इन्वेस्टर के हर साल इनफ्लो कितना होगा, $6, ये उसकी इंटरेस्ट का इनफ्लो होगा। सो 1 टिल 5, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसे, 6 का उसे इंटरेस्ट मिलेगा। और पांचवें साल वो उसे रिडीम करवा लेगा तो रिडम्शन के ऊपर हमने एज्यूम किया है उसके पास $100 का इनफ्लो आएगा। ये कैश फ्लो समझ में आते हैं कैसे मैंने बनाए कैश फ्लोस? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको कैश फ्लो बनाना आना चाहिए। आज मार्केट प्राइस चल रही है 95, ये मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, हर साल 6% का इंटरेस्ट मिलेगा $100 के ऊपर, और पांचवें साल के एंड के ऊपर आप उसे रिडीम करवा लें पार वैल्यू पर। अगर रिडम्शन प्राइस एग्जाम में ना दी हुई हो तो ऑलवेज टेक एन अजम्पशन, क्या अजम्पशन लेंगे अगर रिडम्शन प्राइस ना दी हुई होगी,
क्योंकि एग्जाम में सीआरक्यूज के अंदर अजम्पशन भी लेनी आनी चाहिए आप लोगों को। तो जहां जहां मैं आप लोगों को ये बताता जा रहा हूँ कि अज्यूम कर लेना, वहां पर नोट कर लें कि हमेशा पार वैल्यू अज्यूम करते हैं। अगर मेंशन नहीं किया हुआ कि रिडम्पशन किस वैल्यू पर होगी, टेक एन अजम्पशन दैट एट पार वैल्यू, गॉट इट। अब देखें, ये तो आपके बन गए कैश फ्लो। एजेंडा क्या है, हमें एक पॉजिटिव एनपीवी निकालनी है, एक नेगेटिव एनपीवी निकालनी है। तो अब मसला ये है कि मैं अपनी मर्जी से डिस्काउंट फैक्टर कौन सा लूं, दिस इज अ चैलेंज, कि मेरी पॉजिटिव एनपीवी भी आ जाए और मेरी नेगेटिव एनपीवी भी आ जाए। तो आई ऑलवेज एडवाइज स्टूडेंट्स कि जो कोपॉन रेट दिया हुआ है, पहला डिस्काउंट रेट आप कोपॉन से ऊपर या कोपॉन के नीचे ले लें। तो क्योंकि कोपॉन 6% है, तो लेट मी ट्राई 5%। आप 6% भी ले सकते हैं, आप 7% भी ले सकते हैं, आप 1% भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। पहला डिस्काउंट रेट आपकी मर्जी है, जो भी आप ऑप्ट करने जाएं, ठीक है। अब इस 5% के ऊपर आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल चाहिए, एन्यूटी टेबल चाहिए, दिस इज एन्यूटी। तो इसके लिए आपको एन्यूटी टेबल चाहिए और इसके लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल चाहिए, जो कि आपको एग्जाम में प्रोवाइड की जा रही है। तो हम 5% डिस्काउंट रेट यूज करते हुए फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो जीरो पे आया वन। अब 5% को हमें एन्यूटी टेबल में चेक करना है, फिर 5% को मुझे पीवी टेबल में चेक करना है। तो लेट मी शो यू 5% के रेलेवेंट फैक्टर्स निकालना सीखें। 5% को हमने सबसे पहले देखना है कहां पर, एन्यूटी टेबल के अंदर। अब ये देखें, आपके सामने एन्यूटी टेबल है, ये एन्यूटी टेबल का फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप इग्नोर करें, टेबल आपको एग्जाम में गिवन मिलेगा। डिस्काउंट रेट हमने कितना ऑप्ट किया है, डिस्काउंट रेट आपने ऑप्ट किया है 5%, ठीक है। ये 5% डिस्काउंट रेट आपने ऑप्ट कर लिया। अब इस 5% को आप चेक करें कहां, 1 से 5, तो आप इसे 5 में चेक करें। 5 में जाकर आप चेक करें तो 5 में आपको एन्यूटी फैक्टर मिल रहा है 4.329, राइट। तो ये 4.329 आपने एन्यूटी फैक्टर लाकर यहां पर प्लेस कर दिया। अब आपको चाहिए फिफ्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5% पे, सेम टेबल, बट नाउ वी विल यूज द पीवी टेबल एट द रेट ऑफ 5%। चेक, दिस इज 5%, ईयर 5, एंड वी हैव पीवी फैक्टर 0.784। अब आप ये 0.784 यहां ड्रॉप कर दें, 0.784। अब आपको क्या करना है, अब आपको कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंट फैक्टर से, ताकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ जाए। तो 95 × 1, 95, 6 × 4.329, 38.961, एंड 100 × 0.784, 78.4। ये तमाम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो गए, इसको नेट कर लें एंड फाइंड आउट नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गए 78.4 प्लस 38.961 माइनस 95। क्या आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव एनपीवी आ गई। अब ऐसा हो सकता है कि अगर आपने पहला रेट ऑफ किया तो आंसर पॉजिटिव ना आ रहा हो, आंसर नेगेटिव आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला रेट डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट रेट आपको हायर लेना है या लोअर लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल, पहले रेट से आंसर आ रहा है पॉजिटिव, तो हमें दूसरा रेट ऐसा ऑप्ट करना है जिससे आंसर नेगेटिव आए। क्यों? ताकि हमारा जो आईआरआर है उसका आंसर प्रॉपर आए। तो मैं क्या करूंगा, मैं 6% ट्राई नहीं करूंगा, 7% भी नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस लूंगा। तो लेट मी ट्राई अनदर फैक्टर दैट इज 9%। हमें 9% ट्राई कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो भी फैक्टर यहां पर चूज कर लें। अब मैंने इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि डिस्काउंट रेट का ये रूल है
कि जितना डिस्काउंट रेट इंक्रीज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू उतनी डिक्रीज होती जाती है। तो मैं प्रेजेंट वैल्यू को माइनस में लेकर जाना चाहता हूं, इसलिए मैंने 5% से इंक्रीज करके 9% पर ले गया। अब अकॉर्डिंगली मुझे 9% को टेबल में देखना है। सो 9% का पीवी फैक्टर है 0.650, 0.650, एंड सिमिलरली 9% का एन्यूटी फैक्टर देखना पड़ेगा। सो दैट एन्यूटी फैक्टर इज 3.890। देखें, अक्सर स्टूडेंट्स को F2 के बाद IRR, NPV वगैरह कैलकुलेट करना तो आती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली नहीं पता होता कि NPV के पीछे लॉजिक क्या है, IRR के पीछे लॉजिक क्या है। तो आपको F9 में, क्योंकि ये इंट्रो पेपर नहीं है, ये एडवांस पेपर है, तो आपको हर चीज़ के पीछे की प्रॉपर कैलकुलेशन का मैकेनिज्म और प्रॉपर थियोरेटिकल स्टफ पता होना चाहिए कि अगर हम IRR कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, क्या उसका कोई ऑल्टरनेट मेथड है, क्या उसकी लिमिटेशंस भी हैं, ताकि आपको एग्जाम में जो पूछा जाए, चाहे न्यूमेरिकल पूछा जाए, तो अगर न्यूमेरिकल यू आर अप टू द मार्क, थ्योरी यू आर अप टू द मार्क, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल IRR मेथड में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से IRR को इतनी ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई जाती, और आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में IRR का एक रिप्लेसमेंट मौजूद है जिसका नाम है MIRR। अब ये बात काफी कम लोगों को पता होती है कि IRR में वो कौन सा मसला है, वो कौन सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम IRR को इतनी ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते। हमारे सिलेबस में MIRR की कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको IRR की लिमिटेशंस में बताया जाएगा आगे जाके कि व्हाई IRR इज नॉट अ अप्रोप्रिएट टूल। अच्छा, आप कैश फ्लो को इन डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, सो 95 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.890, 23.34, एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 0.650, दैट बिकम 65। अब इसे नेट ऑफ कर लें, होपफुली एक नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, 6.66, एंड दैट इज नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आ गई, एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। IRR लाए करता है नेगेटिव और पॉजिटिव के इन बिटवीन। तो अब आपको कोई तुक्का नहीं लगाएंगे कि IRR कैसे कैलकुलेट करना है, बल्कि हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है IRR कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम IRR कैलकुलेट करेंगे। अब इस फॉर्मूले के वेरिएबल सारे आप लोगों को ऊपर की टेबल से मिल जाएंगे। दो डिस्काउंट रेट्स चाहिए, दो नेट प्रेजेंट वैल्यूज चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये चार वेरिएबल्स के ऊपर ये फॉर्मूला लगता है। ट्राई टू कैच, 5% के ऊपर एनपीवी क्या आ रही थी, 5% के ऊपर एनपीवी पॉजिटिव आ रही थी, 9% पे एनपीवी नेगेटिव है। आप सबसे पहले लोवेस्ट रेट लेंगे, लोवेस्ट रेट है 5%, तो ए रिप्रेजेंट्स लोवेस्ट रेट। फिर आप उस लोवेस्ट रेट की नेट प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, यानी कि कैपिटल ए रिप्रेजेंट्स नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द लोवेस्ट रेट। उसके बाद नीचे आपने इसको कॉपी किया, माइनस माइनस प्लस 6.66, बी इज एनपीवी एट हायर रेट। उसके बाद बी रिप्रेजेंट्स हायर रेट विच इज 9%, एंड ए रिप्रेजेंट्स लोअर रेट विच इज 5%। अब इसको आप फॉर्मूले को सॉल्व कर लें, ये कहलाता है इंटरपोलेशन मेथड। तो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड की फिगर को कैलकुलेट करें, 22.36 प्लस 6.66, 29.02। याद रहे कि अगर CRQ में सवाल आता है तो ये क्वेश्चन आपको एक्सेल पे सॉल्व करना पड़ेगा। सो
सो राइट हैंड साइड का जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 3.08%। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8.08 इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा डेट जिसके अंदर हर साल आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है और एट द एंड ये 100 पे रिडीम होगा, इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न, एनुअलाइज्ड गेन आपको कितना मिलेगा? 8.08%। अब लेंडर को ये डिसाइड करना होता है कि क्या ये रिटर्न इनफ है। अगर इनफ है, इससे ज्यादा रिटर्न उसे किसी डेट इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिल रहा, तो वो ये इंस्ट्रूमेंट बाय कर ले और इसको मेच्योरिटी तक होल्ड कर ले। क्योंकि ये ट्रेडेबल भी होता है, तो अगर वो जल्दी सेल करना चाहता है तो वो उसको जल्दी सेल भी कर सकता है। अब नॉर्मली वैसे तो ये अप्रोच काफी इजी है, लेकिन इसके टेक्निकल कॉम्पोनेंट्स को समझने के लिए पहले आप 2-3 मरतबा इसकी कैलकुलेशन समझें, अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। डिस्काउंट रेट कैसे चूज करना है, पहला कौन सा होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए, उसके बाद इंटरपोलेशन का फॉर्मूला, उसके बाद फिर आप इसकी लॉजिक्स पे जाएं। जब तक आपकी कैलकुलेशन क्लियर नहीं है, उसके लॉजिक्स को सोचने की जरूरत नहीं है, राइट? तो रिडीमेबल की कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए हमने कौन सी अप्रोच इस्तेमाल की? हमने IRR अप्रोच से इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न निकाल लिया। अब स्टूडेंट पूछता है कि कॉस्ट ऑफ डेट तो आफ्टर टैक्स होती है, तो रिटर्न जो हमारा कैलकुलेट हुआ हुआ है उसे आफ्टर टैक्स कैसे करें? तो उसको आफ्टर टैक्स करने का तरीका ये होता है कि या तो आप अपनी टेबल में ही टैक्स की कैलकुलेशन डाल दें, या फिर एट द एंड, क्योंकि ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है कॉस्ट ऑफ डेट, तो इसे कॉस्ट ऑफ डेट बनाने के लिए जो भी इन्वेस्टर का रिटर्न है उसमें से अगर आप 1-t माइनस कर देंगे तो इन्वेस्टर का रिटर्न कन्वर्ट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर। अभी आपकी मर्जी है कि आप ऊपर कैलकुलेशन करते वक्त यहां पर टैक्स इनकॉर्पोरेट कर दें इंटरेस्ट के अंदर, या आफ्टर द आंसर इनकॉर्पोरेट करें, चॉइस इज योर्स। हाँ जी, इस कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आस्क। और अभी पास्ट पेपर्स में आपको तकरीबन हर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सवाल में ये IRR वाली कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो उसको आप बहुत रिपीट करने का मौका मिलेगा आप लोगों को, इट्स वेरी रिपीटेटिव। नहीं, अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाता है कि जी इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल के दें, तो उसे कभी भी 1-t नहीं करेंगे। कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए उसे 1-t करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन, किसी और का कोई सवाल? ये हमारा सेकंड लेक्चर चल रहा है, तो कुछ चीजें हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, कुछ बेसिक्स, तो अगर आप पहला लेक्चर भी रेफर करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। यस, रिडीमेबल डेट भी यूजुअली ट्रेडेबल होते हैं, सिवाय बैंक लोन के मेजॉरिटी डेट्स जो होते हैं वो ट्रेडेबल होते हैं। मैं होते हैं कह रहा हूं, किसी कंट्री के अंदर बहुत सारे डेट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन ट्रेडेबल भी होते हैं। So, हमने अभी जो कैलकुलेशन की है रिडीमेबल की, वो ट्रेडेबल डेट की कैलकुलेशन की है जिसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है। चले जी आगे बढ़े। चलिए अब मैं आपको एक पास्ट पेपर से रिडीमेबल डेट का एक डेटा यूज करते हुए एक फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। हम किसी पास पेपर का रिडीमेबल डेट का डेटा उठाते हैं और अप्लाई करते हैं कि IRR या कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकाला जाएगा।
सो मैं आपको एक्सट्रैक्ट शेयर कर रहा हूँ वन ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चन। ये देखें, दिस इज वन ऑफ द पास्ट पेपर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम है डिनला, उसका एक पीस मैंने आइडेंटिफाई किया है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट, क्या आपको यहां पर कोई टैक्स रेट नजर आ रहा है? ओरिजिनल सवाल में टैक्स रेट दिया हुआ है, ठीक है, टैक्स रेट ओरिजिनल सवाल में दिया हुआ है। दिस 6% इज कूपन रेट, कहाँ लिखा हुआ है टैक्स रेट? 6% कूपन रेट है ये, 6% लोन नोट, दिस इज दी कूपन इंटरेस्ट रेट, नॉट द टैक्स रेट। टैक्स रेट लिखा होगा तो टैक्स रेट मेंशन होगा। सो इस एग्जांपल में टैक्स नहीं दिया हुआ, राइट? अब देखें, 6% लोन नोट है, कूपन रेट 6% हो गया। आज मार्केट में किस वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है? अभी आप इस एक्स इंटरेस्ट को छोड़ दें, बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब क्या होता है। 95.45 पे ट्रेड हो रहा है। रिडीम किस पे होगा? पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पर होगा, विच इज 100। कितने साल में रिडीम होगा? 5 साल में रिडीम होगा। ये इंफॉर्मेशन काफी है टेबल बनाने के लिए और IRR कैलकुलेट करने के लिए। कूपन रेट हो गया 6%, करंट मार्केट प्राइस हो गई 95.45, और रिडम्पशन किसके ऊपर होगी? $100 पर, कितने साल के बाद होगी? 5 साल के बाद होगी। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ टेबल। ईयर आइडेंटिफाई करने हैं, रेलेवेंट कैश फ्लोज फाइंड आउट करने हैं, पहला डिस्काउंट फैक्टर, उस पर पीवी, अनदर डिस्काउंट फैक्टर और उस पर पीवी। ये बनेगी हमारी IRR कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने के लिए टेबल। अब आप मुझे ये बताएं, ईयर जीरो में क्या लूं, 1 to 5 क्या लूं और फिफ्थ ईयर में क्या लूं? कैश फ्लो आप मुझे आइडेंटिफाई करके दें। एनीवन, ईयर जीरो 1 till 5, ईयर 5 रिडम्पशन। तो ईयर जीरो में आएगी करंट मार्केट प्राइस। इसे मैं माइनस में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर जब ये खरीदेगा तो इन्वेस्टर की पॉकेट से आउटफ्लो होगा, एन आउटफ्लो इज माइनस, राइट? उसके बाद उस इन्वेस्टर को 6% इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट किसके ऊपर लगता है? पार वैल्यू पर। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट हो गया $6। रिडम्पशन किस प्राइस पर होगी? रिडम्पशन होगी $100 के ऊपर। ये हो गए हमारे कैश फ्लोस। अब हमें ऑप्ट करना है पहला डिस्काउंट रेट। तो मैंने आपको कहा था कि पार जो कूपन दिया हुआ है ना, उससे 1% या तो ऊपर ले जाएं या 1% नीचे ले जाएं या एग्जैक्ट कूपन रख लें, वी हैव नो इश्यू, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स ट्राई फर्स्ट वन 8%। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। अब हमें 8% के ऊपर एन्यूटी टेबल देखनी है और 8% के ऊपर हमें पीवी टेबल देखना है, राइट? तो हम चलते हैं अपनी डिस्काउंट टेबल के ऊपर और लेट मी फाइंड आउट द डिस्काउंट टेबल। डिस्काउंट टेबल आप हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि डिस्काउंट टेबल आपको बहुत ज्यादा यूज करना है। और जब हम लाइव क्लास डिस्कस कर रहे होंगे तो आई नीड दैट डिस्काउंट टेबल, कि आप मुझे क्विकली उसमें से आंसर करके दें। तो हमने 8% ऑप्ट किया है ना, तो 8% के ऊपर हमारा जो एन्यूटी फैक्टर है 8% के ऊपर, वो कितना बन रहा है? 5 साल पे 3.993। सो दिस इज 3.993। और पीवी फैक्टर क्या बन रहा है? पीवी फैक्टर हमारा होगा 5 ईयर पे 8% पे, दैट इज योर पीवी फैक्टर 0.681।
ये सारी चीजें फॉर्मूले से भी निकल सकती हैं, लेकिन जब टेबल दिया हुआ है तो आप एग्जाम में फॉर्मूले पर अपना टाइम जाया नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक्सेल में इस्तेमाल करना है तो एक्सेल में ये टेबल बनाना और आसान है। अब हमारी जो नेक्स्ट पास्ट पेपर की प्रैक्टिस की क्लास होगी तो आई विल सॉल्व पास्ट पेपर ऑन एक्सेल, ताकि आपको आइडिया हो कि प्रेजेंटेशन कैसे बनती है, अगर आपको कोई फॉर्मूला लगाना है तो उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सेल को इस्तेमाल करें वाइल प्रैक्टिसिंग, राइट? क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में थ्योरी लिखने में आपको टाइपिंग का मसला आएगा, टाइपिंग भी आप प्रैक्टिस के साथ अपनी स्पीड अप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, सो फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस एक्सेल ऑन अ रेगुलर बेसिस, वरना ऐसा ना हो एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट का सामना करना पड़ता है। अब इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, ये कोई कंफर्म करेगा? देखें F9 के पेपर में डेसिमल का जो मसला आता है ना, वो सिर्फ MTQs और OTQs में आता है, CRQ के अंदर आप डेसिमल जहां चाहे इस्तेमाल कर लें, एग्जामिनर को कोई एतराज नहीं है, आप टू डेसिमल ले लें, अप्रोप्रिएट टू डेसिमल होते हैं, तो नंबर्स CRQ में कोई मैटर नहीं करते, और MCQ के क्वेश्चन में कितने डेसिमल लेने हैं, अगर आपको फिगर पुट करनी है, बॉक्स दिया हुआ है, तो डेसिमल एग्जाम में खुद बताए गए होंगे, सो अप्रोप्रिएट ये कि आप टू डेसिमल अप्रोच लेके चलें, एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखें। सो कैन यू टेल मी के पॉजिटिव एनपीवी आ रही है या नेगेटिव एनपीवी आ रही है? मेरे पास आ रही है 3.392 माइनस, 8% पे माइनस आ रही है। अगर 8% पे माइनस आ रही है तो फिर आपको रेट बढ़ा नहीं सकते आप, फिर आपको रेट क्या करना पड़ेगा, फिर आपको रेट नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो हम रेट ले आते हैं 6%, लेट मी यूज 6%, तो 6% शायद मैंने पिछली एग्जांपल में यूज किया था, नो 6% के लिए मुझे टेबल दोबारा देखना पड़ेगा, तो 6% का 5वें साल का पीवी फैक्टर है 0.747, 0.747, और एन्यूटी फैक्टर इसका बनेगा 6% का 4.212, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 95.45, 74.7 और 6 × 4.212 25.27। अब इसको नेट ऑफ कर लें, सेवेंटी फोर पॉइंट सेवन प्लस 25.27 माइनस 95.45 इट्स 4.52, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अच्छा अब एक सवाल आता है जहन में, स्टूडेंट ये कहता है कि सर अगर टाइम ड्यूरेशन का प्रॉब्लम है, या ऐसा सवाल आ जाता है एग्जाम में कि दोनों नेगेटिव आ जाएं, दोनों पॉजिटिव आ जाएं, तो कोई मसला नहीं, आप दोनों नेगेटिव करके भी सॉल्व करके आ सकते हैं, आप दोनों पॉजिटिव भी, बेहतर क्या है, ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है कि आप नेगेटिव पॉजिटिव को यूज करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो आप रिकैलकुलेट ना करें बार बार, टेक द पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन, कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्रोक्सीमेशन है, नो प्रॉब्लम, गॉट इट? टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाद दफा स्टूडेंट क्या करता है, 1% ट्राई किया, 1% ट्राई किया नेगेटिव, फिर उसने 7% ट्राई किया दोबारा नेगेटिव, तो एग्जाम में आपके पास टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा मसला होता है, अगर आप अननेसेसरी टाइम जाया करेंगे एग्जाम विल किल यू, एग्जाम आपको फिर टेंशन दे देगा, और आपका पेपर अगर कंप्लीट नहीं होता या मेजॉरिटी कंप्लीट नहीं होता तो आप स्टेक पर आ जाएंगे। नाउ अप्लाई IRR फॉर्मूला, IRR फॉर्मूला लोअर रेट 6%, लोअर रेट की प्रेजेंट वैल्यू
4.52 डिवाइडेड बाय लोअर रेट की प्रेजेंट वैल्यू, दिस माइनस माइनस प्लस बिकम्स प्लस, डिफरेंस ऑफ रेट ले लें हम 8% माइनस 6% डिफरेंस ऑफ रेट, चले इसको सॉल्व कर लें, आंसर बता सकते हैं। आंसर इसका कोई बताएगा? तो ये बन रहा है 6% प्लस 1.14%, तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होगा? 7.14%। दिस इज द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और यही कंपनी की कॉस्ट बन जाएगी अगर टैक्स रेट ना दिया हुआ होगा। और अगर टैक्स रेट दिया हुआ होगा तो फिर क्या फर्क आएगा, हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में से टैक्स का इफेक्ट डिडक्ट करना होगा, तो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी। अब ये एक पास पेपर का सवाल था, बीच में एक पार्ट क्वेश्चन बीच में से दिया हुआ था, तो वो एक्सट्रैक्ट किया और हमने बिल्कुल एक्यूरेट यहां पर आंसर निकाल लिया, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट। एनी क्वेश्चन? तो तीन तरह के डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करना हमने सीख ली, बैंक लोन विच इज वेरी सिंपल, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट सीधा सा फॉर्मूला है, और कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट इसकी कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा। ये टॉपिक एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एमटीक्यूज में भी आ सकता है। आप मेरे पहले लेक्चर को सुने जहां पर मैंने पूरे सिलेबस को डिस्कस किया है कि कौन सा टॉपिक कहां पर टेस्ट होता है, तो ये जो टॉपिक है ये सी में भी आ सकता है, और अगर सी में नहीं आया तो एक सवाल सेक्शन बी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से आ सकता है, वरना एमसीक्यूज ऑब्वियसली आते हैं पूरे सिलेबस में से। आप लोगों को मैं रिमाइंड करवा दूं, जब आप F9 आप पढ़ रहे होंगे तो आपको न्यूमेरिकल देखकर ऐसा लग रहा होगा कि पेपर इंटायरली न्यूमेरिकल का आता होगा, हर सवाल में न्यूमेरिकल है, लेकिन जब आप पास्ट पेपर्स देखेंगे तो हर न्यूमेरिकल के साथ सिग्निफिकेंट वेटेज की थ्योरी दी हुई होती है, तो आप साथ साथ टॉपिक्स की थ्योरी भी पढ़ेंगे कि थ्योरी क्या है इस टॉपिक की, ताकि जब आप आंसर करने जाएं तो सिर्फ कैलकुलेशन की बेसिस पर आपको पास शायद अपना हो सके, तो आपको अप्रोप्रिएटली थ्योरी पे भी फोकस करना है, और जितनी ज्यादा आप थ्योरी पे फोकस करेंगे उतना आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीन टाइप्स ऑफ डेट हमने कवर कर ली, फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डेट। अभी जो हमने रिडीमेबल डेट की कॉस्ट कैलकुलेट की है और जो कन्वर्टेबल डेट की कॉस्ट है उसमें सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, वो आप समझने की कोशिश करें। कन्वर्टेबल वो डेट होता है जिस पर इन्वेस्टर को हर साल क्या मिलता है, कूपन रेट, राइट, और मैच्योरिटी के ऊपर क्या होता है, क्या मिलेगा इन्वेस्टर को, मैच्योरिटी के ऊपर इन्वेस्टर डिसाइड करेगा, या तो वो रिडीम करवाएगा, रिडम्पशन होगी, कैश मिलेगा, या फिर वो कन्वर्ट करवाएगा इन ऑर्डिनरी शेयर्स। ये काम कब करना है, जी क्लास के एंड पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा जिस पर जाकर आप इंट्रोडक्शन लेक्चर सुन सकते हैं इजीली, दैट इज फ्रीली अवेलेबल। फर्स्ट लेक्चर फ्रीली अवेलेबल, दिस सेकंड लेक्चर इज फ्रीली अवेलेबल, बट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स अगर आप रजिस्टर्ड होंगे तो यू कैन टेक लेक्चर्स लाइव एंड रिकॉर्डेड, इफ नॉट फिर आप नहीं ले सकते।
देखिए मैं आपको एक दफा फिर हमारे कोर्स के फीचर जो है ना वो टेस्ट करा देता हूँ। ये जब आप वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो आपके पास आपको एक लॉगिन आईडी दिया जाएगा। मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, लॉगिन आईडी दिया जाएगा। तो मैंने F9 का पेपर यहाँ पर ऑन किया, तो इसमें आप इनरोल करेंगे ना, तो आप इनरोल तो फ्रीली कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इनरोल करेंगे तो आप फ्रीली इनरोल कर सकते हैं, लेकिन जिस लेक्चर के सामने फ्री प्रीव्यू होगा वो खुल जाएगा आपके सामने, और जिस लेक्चर के सामने फ्री प्रीव्यू नहीं होगा वो लेक्चर आप नहीं देख सकते। तो इस तरह से जब आप इसको ओपन अप करेंगे तो आपके सामने इस तरह लेक्चर आ रहे होंगे, आपके सामने इस तरह MCQs की प्रैक्टिस है, टेक्निकल आर्टिकल्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एरो इंडिकेट क्या कर रहा है? ये एरो इंडिकेट ये कर रहा है कि हमने आपको इन चीजों को डाउनलोड करने की फैसिलिटी दी हुई है, या आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें, और जिस चीज को डाउनलोड नहीं कर सकते डॉक्यूमेंट वो शो नहीं करेगा। इसी तरीके से ये क्विज दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। अब देखें, आपने ये क्विज ओपन किया तो स्टूडेंट जब क्विज ओपन करेगा तो किसी क्विज में 5 सवाल दिए हुए होंगे, किसी में 8 सवाल दिए हुए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्विज दिया हुआ होगा, आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे। ये क्विज आपने अटेम्प्ट किए, क्विज के एंड पर आपको मार्क्स पता लग जाएंगे कि आपके पास मार्क्स पासिंग मार्क्स आए नहीं आए, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए। सिमिलरली व्हेन यू ओपन अप दिस असाइनमेंट तो आपके सामने एक पास पेपर का थ्योरी का क्वेश्चन आ गया, ये इस टॉपिक से रिलेटेड पास पेपर में आई। अब आपका काम क्या है, आपको वो थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अपनी फाइल को यहाँ पे सबमिट करना है वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल को, और ये आ जाएगा ट्यूटर के पास। ट्यूटर इसे चेक करेगा, आपको असाइन करेगा, आपसे डिस्कस करेगा कि जी आपने ये प्रॉब्लम किया। दिस कॉम्प्रिहेंसिव टाइप, इतने कॉम्प्रिहेंसिव चीज आपको यूजुअली नहीं मिलती मार्केट के अंदर, जो मैंने इस दफा डिजाइन किया है स्टूडेंट्स के लिए। ये जितने भी लेक्चर्स यहाँ पर अभी आपको शो हो रहे हैं ये सारे ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड पूरा कोर्स है, और लाइव क्लासेस जो हमारी होती जा रही हैं वो इसके अंदर एड ऑन होती चली जाएंगी। जैसे ये जो इंट्रोडक्शन का आपको लेक्चर नजर आ रहा है, ये मेरी पिछली क्लास का फर्स्ट लेक्चर है जो यहाँ पर एड ऑन हो गया। इस तरह आज का लेक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हेडिंग में वाया लाइव लेक्चर 1 यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इसी तरह ये आपका जो फोल्डर है ये और ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। बाकी अगर आपको कोई चीज पूछनी है तो यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, तो आपको फर्दर कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, कोई इशू है, सो यू कैन आस्क। और मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट कि हमने लास्ट अटेम्प्ट के अंदर भी F7 100% फ्री ऑफर किया हुआ था, और इस अटेम्प्ट के अंदर भी हमने 100% F7 फ्री ऑफर किया हुआ है। तो यू कैन टेल योर फ्रेंड्स, दोस्त जो आपके स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ते हैं, कि जी इफ अ कोर्स इज फ्री व्हाई यू आर पेइंग टू समवन। और सिमिलरली ये जो F9 का आपको कोर्स ऑफर किया जा रहा है ये बहुत रीजनेबल प्राइस में ऑफर किया जा रहा है, 50% ऑफ पे ऑफर किया जा रहा है। और इतना कॉम्प्रिहेंसिव 50% ऑफ पे अगर आपको लेक्चर मिलता है और आप मिस कर देते तो इट्स योर बैड लक। पेपर आपका पास होगा इफेक्टिवली, जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, और जो रिसोर्सेज मैं आपको दे रहा हूँ अगर आप कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फेल होना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर आप गाइडेंस फॉलो नहीं करते, रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते, देन अल्टीमेटली आपके लिए पेपर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपके हाथ में। चलें अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डेट, देखें कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डेट, इसका इन्वेस्टर का जो रिटर्न है वो भी वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। किस अप्रोच से कैलकुलेट होगा इसका भी हम क्या निकालेंगे, IRR अप्रोच। बट प्रॉब्लम ये आएगी जब आप टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो रिडम्पशन पे आप क्या लेंगे, रिडम्पशन पे आपके पास तो ऑप्शन मौजूद है, रिडम्पशन पे आपके पास कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है। रिडम्पशन पे इन्वेस्टर रिडीम भी कर सकता है और कन्वर्जन भी कर सकता है। तो आप टेबल बनाते वक्त कौन सी वैल्यू लेंगे, रिडम्पशन वैल्यू लेंगे या कन्वर्जन वैल्यू लेंगे, दिस इज अ प्रॉब्लम।
बताएं इफ यू हैव एनी आइडिया कि रिडम्पशन वैल्यू लें या कन्वर्जन वैल्यू लें, व्हाट टू डू? तो हम लेंगे हायर ऑफ, क्या लेंगे? हमें लेना है हायर ऑफ वैल्यू। किस चीज की हायर ऑफ वैल्यू लेंगे हम? रिडम्पशन, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी, रिडम्पशन प्राइस तो क्वेश्चन में गिवन होगी। कन्वर्जन वैल्यू हम खुद फाइंड आउट करेंगे, सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट कन्वर्जन वैल्यू, एंड देन आई विल डिसाइड। फॉर एग्जाम्पल, रिडम्पशन वैल्यू आ गई $100, गिवन है क्वेश्चन में। जब मैंने कन्वर्जन वैल्यू निकाली तो वो आ रही है 110। व्हाट वुड बी माय डिसीजन? सो मैं इन दोनों में से जो भी हायर ऑफ होगी वो हायर ऑफ एज्यूम कर लूंगा कि ये जो कन्वर्टेबल डेट है ये एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी रिडीम नहीं होगा बल्कि कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर। सो इन्वेस्टर विल गेट 110, राइट? अब एक प्रॉब्लम आपके पास ये आएगा कि कन्वर्जन वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो कन्वर्जन वैल्यू निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला सिखाया जा रहा है, हाउ टू कैलकुलेट कन्वर्जन वैल्यू। सो कन्वर्जन वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, कन्वर्जन डेट के ऊपर फाइंड आउट करना है कि ये जो डेट है इसके अगेंस्ट कितने शेयर्स आपको मिलेंगे और एक शेयर की शेयर प्राइस क्या होगी। तो अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स को शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कन्वर्जन वैल्यू आ जाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स आपको एग्जाम में गिवन होंगे, शेयर प्राइस आपको गिवन तो होगी लेकिन वो शेयर प्राइस आपको कन्वर्जन डेट पे गिवन नहीं होगी। वो शेयर प्राइस आपको गिवन होगी आज, राइट नाउ, Not at the date of conversion. So, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले number of shares ढूंढने हैं, share price निकालनी है, उसके बाद conversion value find out करनी है, उसके बाद हम decide करेंगे कि convert होगा या redeem होगा, और ये decide करने के बाद फिर हम अपनी IRR की calculation start करेंगे। तो थोड़ा सा lengthy process है लेकिन process is usually the same. ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल आपको यह बताया जाता है कि शेयर प्राइस आज आपको दी हुई है फॉर एग्जाम्पल $4 पर शेयर, यह आज आपको दी हुई, और कन्वर्जन होगा 5 साल के बाद एंड ऑफ 5 years. तो अब मैं 5 साल के बाद की प्राइस कैसे निकालूं? हाउ डू आई नो? यहां तो 2 दिन के बाद की प्राइस पता नहीं होती। तो हम अपनी कैलकुलेशन में एक ग्रोथ रेट आइडेंटिफाई करेंगे जो कि एग्जाम में गिवन होगा, शेयर प्राइस ग्रोथ रेट। हम एज्यूम करेंगे कि ये ग्रोथ रेट जो गिवन है वो ठीक है और कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट है। तो हम क्या करेंगे, आज जो 4 की शेयर प्राइस है उसे 5 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी वो आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे? $4 1 प्लस ग्रोथ रेट पावर नंबर ऑफ इयर्स, इससे आप 5 साल के बाद की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इन माय एग्जांपल $4 1 प्लस ग्रोथ, ग्रोथ रेट में 5% एज्यूम कर लेते हैं, 0.05 पावर 5, 5 साल के बाद की वैल्यू क्या होगी? अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट वुड बी द वैल्यू आफ्टर 5 years? हालांकि प्रैक्टिकली ये निकालना इतना आसान काम नहीं है कि 5 साल के बाद क्या होगा, बट इन एग्जाम ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो यू कैन इजीली कैलकुलेट। काइंडली कैलकुलेशन करें और मुझे बताएं कि कन्वर्जन वैल्यू 5वें साल के एंड के ऊपर क्या होगी, शेयर प्राइस क्या होगी, फिर हम अकॉर्डिंगली कन्वर्जन वैल्यू निकाल सकते हैं।
जी, व्हाट इज द कन्वर्जन वैल्यू? इज द आंसर 5.10? चलो मैं एज्यूम कर लेता हूँ मेरी कैलकुलेशन ठीक है, 5.10। सो ये आपको शेयर प्राइस मिल गई आफ्टर 5 ईयर। चले मैं 5.36 ले लेता हूँ। अब इस शेयर प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ शेयर से, तो आपके पास आ जाएगी कन्वर्जन वैल्यू, और उस कन्वर्जन वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे रिडम्पशन वैल्यू से, एंड यू विल टेक द हायर वैल्यू, और उसके बाद आपकी आईआरआर की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। चलें एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डेट हमें कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल डेट आपको दी हुई है एंड दैट इज 85, ठीक है। कूपन रेट चल रहा है 8%, रिडम्पशन होगी आफ्टर 5 ईयर्स। रिडम्पशन किस पर होगी? अगर ना दिया हुआ हो तो पार वैल्यू के ऊपर, राइट? यहां दिया हुआ है रिडम्पशन आफ्टर 5 ईयर्स एट 5% प्रीमियम ऑन पार वैल्यू, यानी कि पार से 5% ज्यादा आपको मिलेगा। ऑल्टरनेटिवली या दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि अगर आप कन्वर्जन करवाना चाहते हैं तो कन्वर्ट ईच लोन नोट। ईच लोन नोट मतलब हर $100 को आप कन्वर्ट करवा सकते हैं इनटू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स। ये हमेशा आपको गिवन होगा कि कितने ऑर्डिनरी शेयर्स आपको कन्वर्ट करते वक्त मिलेंगे इन 5 ईयर्स टाइम। ये कन्वर्जन की टर्म्स आपको आ गई। अब हमें चाहिए शेयर प्राइस। द कंपनी शेयर प्राइस इज currently $4। आज शेयर प्राइस क्या चल रही है? $4। शेयर प्राइस की ग्रोथ रेट है 7%, 7% पर एनम। ये पूरा डेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डेट। देखें एक चीज आप जहन में रखें कि F9 के आपके पास जितने भी पास पेपर्स अवेलेबल हैं, उसी पास पेपर में जितनी कैलकुलेशन ऑलरेडी आ चुकी है और जितनी थ्योरी टेस्ट की जा चुकी है, वो रिपीटेटिव भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप पास पेपर और रिवीजन किट पे बहुत अच्छा फोकस करके जाते हैं, ज्यादातर मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं, तो चांसेस ये हैं कि एग्जाम में आपको रिपीटेटिव चीजें भी नजर आएंगी, यानी कि वो चीजें नजर आएंगी जो आपने पास पेपर में ऑलरेडी देखी भी होंगी। तो इसलिए आई स्ट्रॉन्गली एडवाइज कि आप रिवीजन किट तो इस्तेमाल करें, उसमें पास पेपर भी मॉडिफाइड है, लेकिन आप ओरिजिनल जो F9 के पास पेपर्स हैं वो भी इस्तेमाल करें। अभी वो पास पेपर हमने अपने पोर्टल पे अपलोड नहीं किए हुए, लेकिन ग्रेजुअली सारे पास पेपर्स विद देयर आंसर्स वो भी ग्रेजुअली पोर्टल के ऊपर अपलोडेड होंगे, और टॉपिक वाइज पास पेपर भी अपलोडेड होंगे कि अगर कोई शख्स ये देखना चाहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आज तक पास पेपर में कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, तो वो भी अवेलेबल होंगे। कितने थ्योरी के क्वेश्चन आए, वो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, ताकि आपको हर एंगल से F9 का पेपर जो है वो समझ में आए और आप इफेक्टिवली अपने आप को सिक्योर कर सकें। देखें कुछ चीजें तो अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट भी ले सकते हैं ना, लाइक अगर कोई पास पेपर के क्वेश्चन और आंसर लेना चाहता है तो वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं,
इंटरनेट के जरिए, तो वो अगर किसी को अनरजिस्टर्ड को चाहिए तो वो ले लें। इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देर आर सो मेनी वीडियोज रिलेटेड विद F9, तो आप वहां जाके फ्रीली वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उन्हें कोर्स बड़ा कॉम्प्रीहेंसिवली प्रोवाइड किया जाएगा अलॉन्ग विद द बेनिफिट्स ऑफ 2 लाइव क्लासेस वीकली। सो ये लाइव क्लासेस का जो बेनिफिट है ना, ये स्टूडेंट हमसे मांगते हैं लेकिन हम हर पेपर में देते नहीं है उन्हें। तो इस दफा ऑफर कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम F9 का जो पेपर होगा उसमें लाइव क्लासेस होंगी या नहीं होंगी आई डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबिलिटी, राइट। तो आपने वो सुना होगा ना, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट और गेट द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स टू यू, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। एंड आई एडवाइज यू एज वेल, ये लेक्चर लोग बाद में भी देखेंगे तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी एडवाइस दूं ACCA के स्टूडेंट्स को, कि आपको अगर ये देखना है कि कौन सा टीचर, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, तो मैं आपको एक बड़ी भाइयों वाली सजेशन दे देता हूँ कि आप हमेशा जब भी किसी टीचर को जज करना चाहें तो जस्ट फेसबुक के कहने पर या मेरे कहने पर या स्टूडेंट की रिकमेंडेशन पे जज ना करें, बल्कि आप उस टीचर से डिमांड करें डेमो, ठीक है, 1-2 डेमो, एटलीस्ट 3 डेमो। आप डेमो देखेंगे, आपको टीचर के पढ़ाने का अंदाज अच्छा लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, थ्योरी कैलकुलेशन वो आपको सही पढ़ा रहा है, आपकी समझ में आ रही है, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। किसी के मशवरे पर अमल करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इन्वेस्टिगेट करने में, लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेशन होगी ना, इट विल पे यू ऑफ। वरना फेसबुक पे रिकमेंडेशन देखेंगे, मेरे बारे में किसी से रिकमेंडेशन लेंगे, वो पॉजिटिव देगा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो स्टूडेंट या जिसने आपको रिकमेंडेशन दी है वो कोई पेड वर्जन तो नहीं था। सोशल मीडिया पे आपको पता आजकल सारे पेड वर्जन भी चल रहे होते हैं, तो वो आपको रिकमेंडेशन उसी टीचर की देंगे जिनके जरिए उनको बेनिफिट मिलता है। जेन्युइन रिकमेंडेशन भी होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम भी आप लोगों से रिकमेंडेशन लेकर शेयर करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन अगर कुछ प्रीव्यू लेक्चर्स अवेलेबल हैं और वो दिए हुए हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जज कर लें कि आपको ये टीचर समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो समझ में आता है उसके साथ जाएं। हमारा एजेंडा है कि स्टूडेंट पहली अटेम्प्ट में पेपर पास कर ले, अपनी फीस अपनी पेमेंट जाया ना करे, क्लियर। अब आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, अब आप लोग इस तरह इरेशनल डिसीजन और सिली डिसीजन लेके काम करेंगे तो फिर क्या फायदा। आप लोगों के डिसीजन में और अदर स्टूडेंट्स के डिसीजन में फर्क होना चाहिए। आप FD के स्टूडेंट्स नहीं है कि रिकमेंडेशन के ऊपर चलेंगे, आप तो खुद डिसाइड करें कि हमें हर पेपर अच्छे से अच्छे टीचर के साथ पढ़ना है। और जब से ऑनलाइन क्लासेस का एक शुरू हुआ है आफ्टर कोविड और बिफोर कोविड वट एवर इज, तो अब आपके पास पूरी दुनिया से पढ़ने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप किसी एक कॉलेज पे किसी एक टीचर पे स्टिक क्यों करते हैं? हो सकता है आपके पास और अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं। Why not try others? हाँ, अगर आपने डेमोन्स्ट्रेशन ली और आपको पहला ही डेमो किसी टीचर का बहुत आउटस्टैंडिंग लगा, तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट दैट टीचर, खासतौर पर वो टीचर्स जो पिछले 10, 12, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, दे आर वेरी ट्रस्टेबल। चाहे वो कोई भी टीचर हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, दे आर वेरी ट्रस्टेबल। अब देखें, IRR अप्रोच इस्तेमाल करनी है, पहले डेटा को सॉर्ट आउट करें। आज मार्केट में ये $85 पे ट्रेड हो रहा है, कूपन मिलेगा 8% विच इज इंटरेस्ट रेट, रिडम्पशन होगी 5 साल के बाद 5% प्रीमियम पे। रिडम्पशन की वैल्यू कितनी होगी, इसका मतलब है 105, 100 + 5% of 100। Alternatively, each note can be converted into 20 shares in 5 years time. अब हमें share price चाहिए ताकि हम conversion value find out कर सकें। तो share price आज कितनी दी हुई है, 4। तो share price हम calculate करते हैं 5th year के end पर। So देखें, $4, 1 plus growth rate multiply by power क्या होगा, 5। चलें value calculate करके दें मुझे। Is it 5.61?
और जो लोग लेक्चर ले रहे हैं, जिन्होंने पहला लेक्चर लिया है, दूसरा लेक्चर लिया है, काइंडली प्रोवाइड योर फीडबैक एज वेल। फीडबैक का फायदा ये होता है कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है कि जी आपको क्या लैकिंग नजर आ रही है, आपको किसी कॉन्सेप्ट में कोई मसला आया, आपका कोई आंसर टीचर ने नहीं दिया, तो अकॉर्डिंगली वो टीचर को भी हेल्प मिलती है अपने आप को नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने के। लेकिन वो फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। सो 20 शेयर्स, उसकी कन्वर्जन वैल्यू क्या होगी? $5.61। तो वैल्यू क्या हो गई? 112.2। ये कन्वर्जन वैल्यू हो गई। 5वें साल के एंड पर जो शेयर्स आपको मिलेंगे उसकी मार्केट वर्थ कितनी होगी? 112.2। अब आपको क्या करना है? अब आपको कंपेयर करना है रिडम्पशन वैल्यू वर्सेस कन्वर्जन वैल्यू, और हायर ऑफ ऑप्ट करनी है। बताएं हायर ऑफ क्या है? हमारे केस में रिडम्पशन हो रही है 105 पे, कन्वर्जन वैल्यू हमारी बनती है 112। सो हायर ऑफ क्या हुई? हायर ऑफ इज कन्वर्जन वैल्यू। सो मैंने आज ये डिसाइड कर लिया कि ये जो कन्वर्टेबल डेट है ये रिडीम नहीं होगा, ये क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, और इस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली अब मैं इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने जा रहा हूं। ये पॉइंट समझ में आता है? इज दैट पॉइंट क्लियर? अच्छा, एक चीज और भी है, ये आपको एक चीज और क्लियर करूं मैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमें इंसिस्ट तो करते हैं कि लाइव क्लासेस होनी चाहिए, लेकिन जब लाइव क्लासेस होती हैं तो क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ऑप्शन मौजूद होता है कि लाइव क्लासेस भी आपको बाद में मिल जाएंगी, तो वो खुद रेगुलर लाइव क्लासेस नहीं लेते। सो इसीलिए हमने एक पूरा ऑलरेडी कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर का पूरा आपको दे दिया है, ताकि आप अपने पेस से क्लासेस लेते रहें, और जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले लाइव क्लास लेने की तो आप वो अपॉर्चुनिटी मिस ना करें और आप अपनी लाइव क्लासेस भी लेते रहें। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको फिजिकल क्लासेस में नहीं मिलती, सही है? देखें, कोई भी मजबूरी होती है, आप किसी भी वजह से क्लासेस आगे पीछे कर देते हैं, तो रिकॉर्डेड का फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाएं ना, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं, रिकॉर्डेड की फिजिबिलिटी का फायदा उठाएं, और टीचर आपके पास अवेलेबल है, आप उससे फिर डिस्कस कर लेंगे मुझे फला पॉइंट समझ में नहीं आया। चले जी, अब हम टेबल बनाते हैं और कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। टेबल हमारा वैसे ही कंस्ट्रक्ट होगा, एयर कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर सूटेबल, प्रेजेंट वैल्यू, अनदर डिस्काउंट फैक्टर, अनदर प्रेजेंट वैल्यू। अब मुझे वैल्यू बताते जाए, क्या डिसीजन लिया हमने, रिडीम होगा या कन्वर्ट होगा? ईयर 0, 1 till 5, और फिफ्थ ईयर में रिडम्पशन नहीं होगी, कन्वर्जन होगी, ठीक है? सो आज मार्केट प्राइस कितनी चल रही है? आज मार्केट प्राइस चल रही है कन्वर्टेबल डेट की $85। ये इनिशियल वैल्यू आ गई। 1 till 5 इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट कितना है? 8% कूपन इंटरेस्ट ये आ गया। रिडम्पशन किस वैल्यू पर होगी? 105 पर, कन्वर्जन 112 पर, हमने कन्वर्जन ऑप्ट कर लिया। देखिए, ये वैल्यू अब आपको सिंपल डेट में और कन्वर्टेबल डेट में सिर्फ इस चीज का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम। अब हमें पहला डिस्काउंट फैक्टर ऑप्ट करना है, तो पहला डिस्काउंट फैक्टर हम अपनी मर्जी से ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला डिस्काउंट फैक्टर मैं ले लेता हूं 10%, 10% पे एन्यूटी फैक्टर और 10% पर पीवी फैक्टर मैं आपको दे देता हूं। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, और बाद में आप इसको अपनी टेबल सामने रखें। वो टेबल भी जो है ना, वो इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर मैं शेयर कर दूंगा सेपरेटली, दोनों टेबल्स, ताकि आप उसका भी प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखें या रिविजन किट इस्तेमाल कर लें, उसमें टेबल दिया हुआ है। 3.791
3.791, और पीवी फैक्टर आपको मिलेगा 10% के ऊपर 0.621। इसको मल्टीप्लाई करें देन यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यूज। सो ये हो गया 69.67, 30.32, 33 कर लें। सो 30.33, 69.67 माइनस 85, सो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई आपकी 15। 15 इज द पॉजिटिव वैल्यू, 14.99 या 15। अब देखें 10% पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? अब आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो अब रेट बढ़ाएंगे, आप 11% भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, लेकिन सेफ साइड पर मैं ज्यादा ले लेता हूं 14%, ताकि मेरा आंसर अप्रोप्रिएट आए। तो 14% के ऊपर अब मेरे पास 0.519 आ रहा है, और 14% के ऊपर एन्यूटी फैक्टर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 3.433 आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली दिस इज 85। 8 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 433, 27, और 112.2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.519, इट्स 58। अगर इन केस आपका आंसर पॉजिटिव ही आ जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसी से सॉल्व कर दीजिएगा। और यहां पर ये तकरीबन तकरीबन बराबर ही आ रहा है, 0.69 पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आएगा ना, वो तकरीबन तकरीबन लाइक अराउंड 14 और 15 के दरमियान आना चाहिए रफली। ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि 15 पर ये नेगेटिव हो जाएगा, फॉर श्योर नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें, मैंने अगर 14 पे लिया और अब आपके पास दो पॉजिटिव वैल्यू हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं एग्जाम में, इससे आप सीआरक्यू के अंदर आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। लोअर रेट को आप रखें 10% प्लस 15 15। अब ये माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ठीक है? और डिफरेंस ऑफ रेट रख दें आप 4%। ऑल दो जो आंसर आएगा वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो आंसर आ रहा है 4.19, ठीक है? और टोटल आंसर आ रहा है 14.19%। इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये कंपनी की कॉस्ट होगी। अगर टैक्स रेट ना दिया हुआ हो तो यही कंपनी की कॉस्ट होगी, और अगर टैक्स रेट दिया हुआ हो तो ये 1-T हो जाएगा। रिमेंबर मैंने कहा था कि अगर टैक्स रेट दिया हुआ होगा तो यही 1-T करके आप इसको में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, कोई सवाल इससे रिलेटेड तो बोलें। अच्छा, अगर मैं एज्यूम कर लूं 30% टैक्स रेट है, अगर मैं एज्यूम कर लूं 30% टैक्स रेट है तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी?
तो आपने कहा 14.19, 1 माइनस 0.3, तो आपने 14.19 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया, जी एन्यूटी इसलिए लिए कि कांस्टेंट कैश फ्लोज, बिल्कुल यू आर राइट। अप्रोक्सीमेटली 10%, लेकिन आई विल एडवाइज कि जब आपको कैलकुलेशन करनी हो ना और टैक्स इफेक्ट डालना हो तो आप यहां डालें, क्योंकि आंसर पे फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ प्री टैक्स, खुद उसने दिया हुआ प्री टैक्स और साथ टैक्स रेट दिया हुआ हो, तो फिर आप डायरेक्टली 1 माइनस टी कर सकते हैं, वरना अफेक्ट यहां पर आप ले लें 0.7 तो आपका कूपन हो जाएगा 5.6 और उससे जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ डेट निकलेगी, इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट नहीं होगा। अगर मैं टेबल के अंदर टैक्स डाल दूंगा तो फिर आंसर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है।